दोस्तों आज हम बना रहे हैं पनीर काली मिर्च। पनीर काली मिर्च रेस्टोरेंट और होटल्स में तो बहुत पॉपुलर है, इसे घर में भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा पनीर काली मिर्च कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नीता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले एक बड़ा चम्मच काली मिर्च ले लेंगे और उसको इस तरह से अमान दस्ते में डालकर कूट लेंगे। तो अगर ग्राइंडिंग जार में आप पीसेंगे तो ये पाउडर हो जाएगी। और इस रेसिपी के लिए हमको पाउडर काली मिर्च नहीं चाहिए बल्कि कुटी हुई काली मिर्च चाहिए। और अब हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और उसमें थोड़ा सा हंग कर लिया, यानी कि 2 चम्मच दही को हमने चलनी में डाल दिया था जिससे इसका पानी निकल गया है। अब साथ में हम डाल रहे हैं इसमें 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। घर में जिंजर गार्लिक पेस्ट को लंबे समय तक किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं और कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं। अब साथ में 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल और स्वाद के अनुसार नमक डाला है और जो काली मिर्च हमने कूटी थी उसमें से 1/2 चम्मच काली मिर्च यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाती है इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्यूब्स में पनीर को काटा हुआ है, उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और पनीर को मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि पनीर अच्छे से मैरिनेट हो जाए और सारा मसाला इसके अंदर आ जाए। अब एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और मैरिनेट किए हुए पनीर को बेसिकली हमको पैन में क्रिस्पी करना है। तो फोक की हेल्प से पनीर को इस तरह से अलट पलट कर लेते हैं जिससे कि सभी तरफ से इसका कलर गोल्डन हो जाए। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पनीर में बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन भी नहीं करना है, बस इतना प्यारा सा गोल्डन कलर जब आ जाए तब आप पनीर को एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पनीर हमने दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं और इसमें कुछ खड़े मसाले जैसे इलायची, तेजपान, दालचीनी और इसी के साथ हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच। कुछ सेकेंड इसको इस तरह से पका लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और कुछ सेकेंड के बाद इसमें 1 हरी मिर्च को इस तरह से काट कर डाल देंगे। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज को भी बड़ा बड़ा काट कर डाल देंगे। तो दोस्तों इस रेसिपी में हम रेड चिली का यूज़ नहीं करेंगे, तो जो भी तीखापन होगा वो ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर से होगा। तो अगर आप ग्रीन चिली की क्वान्टिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। 1 से 2 मिनट प्याज को इस तरह से सौते कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने 7 से 8 काजू को इस तरह से भिगो के रखा था लगभग 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा भिगे हुए काजुओं को भी हम इसमें डाल लेंगे और प्याज के साथ भून लेंगे। ध्यान रखिएगा कि प्याज का कलर बहुत ज़्यादा गुलाबी ना हो, प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। और 2 से 3 मिनट प्याज को भूनने के बाद इसमें लगभग 1/2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको बॉयल होने देंगे। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख ही रहे हो कि प्याज बॉईल हो गए हैं, इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और जैसे ही ये ठंडी हो जाए तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये जो खड़े मसाले हैं इनको निकाल दीजिएगा, नहीं तो ग्रेवी में इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो तेजपान और इलायची मैंने यहाँ पर निकाल दी है और ग्रेवी हमारी ठंडी हो गई है। अब ग्राइंडिंग जार में इस ग्रेवी को डालकर इसका एक बढ़िया महीन पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ चलते हैं वापस उसी पैन की तरफ और इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे और अब इसमें जीरा वगैरह ऐसा कुछ नहीं डालना है, सीधे जो पेस्ट हमने प्याज का बनाया है वो इसमें डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रेवी दिख रही है, वाइट ग्रेवी, और यकीन मानिए इसका फ्लेवर इतना अल्टीमेट आता है ना कि सभी पनीर की सब्ज़ियाँ भूल जाओगे। तो इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें बबल्स ना आने लग जाएँ और थोड़ा सा ये पैन छोड़ने ना लग जाए। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। सब्ज़ी का पूरा सॉल्ट हम यहीं पे ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ग्रेवी में से बबल्स आने लग गए हैं और ये पैन को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच मलाई, यानी कि क्रीम ऐड कर सकते हो मार्केट वाला, मैंने यहाँ पर दूध के ऊपर की मलाई ऐड करी है और इसको भी हम अच्छे से ग्रेवी के साथ कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसको धोकर मैंने इसमें डाला है, तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे इस ग्रेवी में और इस स्टेज 5 मिनट कुक करने के बाद पनीर को ऐड कर देंगे ग्रेवी में और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पनीर में पूरी ग्रेवी का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। यहाँ पे आप सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे। ऊपर से 1/2 चम्मच गर्म मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी जिसको कि हल्का सा क्रश कर लिया है और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इस तरह से।
अब यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है एक छोटी चम्मच चीनी। तो इससे पूरी ग्रेवी की जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही गजब की टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके। दोस्तों अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको एक मिनट इसी तरह कुक होने देंगे। पनीर काली मिर्च में हमेशा काली मिर्च लास्ट में डालिएगा। अगर आपने इसको तड़के में ऐड कर दिया तो आपकी ग्रेवी का कलर सांवला हो जाएगा और एकदम व्हाइट नहीं बनेगी। तो कुटी हुई काली मिर्च को सब्जी में एकदम लास्ट में ही डालना है। तो आइए इस सब्जी को सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के बाद ऊपर से कुटी हुई काली मिर्च और हरा धनिया से गार्निश कर लीजिए। दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत यूनिक रेसिपी है, आपको पसंद आने वाली है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।